दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से सोनी नाम की एक महिला की आत्महत्या का सवाल राजनीतिक वजह बवाल की वजह बना हुआ है। सोनी नाम की महिला आम आदमी पार्टी की वॉलेंटियर थी जिसने छेड़खानी और धमकी से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। आपको बताएं कि सोनी का आरोप था कि 31 दिसंबर 2015 को उसे नरेला के विधायक शरद चौहान ने कार्यकर्ता सम्मेलन में बुलाया था। उसी दिन रमेश भारद्वाज नाम के आदमी ने खुद को विधायक का करीबी बताते हुए उसके साथ छेड़खानी की। सोनी का आरोप था कि रमेश भारद्वाज आगे भी उसे परेशान करता रहा। जब वो अपनी समस्या बताने आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे के पास पहुंचती है तो रमेश भारद्वाज वहां आया और उसने माफी मांगी, लेकिन इसके बाद आरोपी रमेश भारद्वाज उसे धमकी देने लगा। सोनी ने 2 जून को नरेला थाने में रमेश भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अगले ही दिन उसे जमानत मिल गई। 19 जुलाई को सोनी ने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने बयान दिया था कि आम आदमी पार्टी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी मिली, लेकिन उन्होंने मदद करने के बजाय सलाह दी कि कंप्रोमाइज कर लो। सोनी की मौत के बाद बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे हैं कि सोनी की आत्महत्या के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। सोनी के घर वाले भी आम आदमी पार्टी के रवैये से आहत हैं। सीएम साहब के साथ बात हुई, सीएम साहब ने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लो, बैठ के बातें कर लो उसके साथ, वो माफी मांग लेगा। लेकिन वो माफी मांगने के बाद फिर दिलीप पांडे जी के साथ हमारी मीटिंग हुई, इसके बाद आने के बाद भी हमें धमकाया जा रहा है। तो क्या धमकी दी जा रही है? तुमने मेरे से दुश्मनी लेकर, अच्छा नहीं करूंगा, विदाउट कपड़े यहाँ से भगाऊंगा, देखना तेरे साथ क्या होगा, तेरे तेरे बच्चे के साथ। आए दिन शॉप पे एक आदमी मेरे को कभी कहाँ रहती है आप नाम लेके मेरे घर का एड्रेस पूछते हैं, मेरे शॉप पे भेजते हैं, नकाब को भेजते हैं। यहाँ के एमएलए शरद चौहान, उनके एक बंदा अपना आपको उनका आदमी नाम बताता है कि मैं एमएलए का आदमी हूँ। उन्होंने मुझे ये बताया पॉलिटिशियन हो तो पॉलिटिशियन में आने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने कहा कि आप कॉम्प्रोमाइज तो पॉलिटिशियन में आने के लिए ना आपको ना रिलेशन बना के उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। उनके वहाँ पे कोई लेडी चार चार बार आ रही हूँ उनके पार्टी के साथ, उनके पार्टी के मेंबर्स के साथ, कोई ऐसे नहीं कि अकेले आ रही, उनके पार्टी के मेंबर के साथ, और वो भी उनकी पार्टी के मेंबर ही थी। वो चार चार बार पांच पांच घंटे वेट करती है कि अब मिलने देंगे, भूखे पैसे धूप में खड़ी होके, तो उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया गया? तो इसमें केजरीवाल की भी गलती है, वो भी उन्हीं के साथ है। रजनीकांत, रमेश भारद्वाज, ये सारे इन्हीं के साथ है, और सबकी मतलब अपनी अपनी पट्टी बनी हुई है। जितने भी लोग है ना, मेरी मम्मी पीछे जितने भी लोग है, उन सबको ना जेल पहुंचा दो, और उन्हें फांसी होनी चाहिए, जेल भी नहीं, उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उन्हें। उनकी वजह से एक लोग की जान गई है ना, इसलिए। चलिए बड़ी बहस शुरू करते हैं। 3 ही मेहमान हैं आज हमारे साथ। नुपुर शर्मा होंगी, अभी यहां पहुंची नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से। भावना गौर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, और रागिनी नायक स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना गौर, सबसे पहले सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से लड़की का परिवार नाराज है और साफ तौर पर उसे आपकी सरकार से समस्या है, उनका कहना है कि न उनकी बात दिलीप पांडे ने सुनी, न उनकी बात आम आदमी पार्टी ने किसी और नेता ने सुनी, बल्कि मुख्यमंत्री तक से उन्होंने मुलाकात की लेकिन मुख्यमंत्री ने भी उनकी गुहार नहीं सुनी, तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कमाल की बात है कि उनका फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है भावना गौर का। रागिनी नायक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये सवाल कि आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर सोनी को आत्महत्या के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, क्या लगता है आपको? आपने उनकी एफआईआर भी पढ़ी होगी, मरने से पहले उनका दिया गया बयान भी हम लोगों ने सभी ने सुना है। आम आदमी पार्टी इस मामले से भले ही पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन आपको क्या वजह नजर आती है? देखिए, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मरते वक्त झूठ नहीं बोलता, और शायद इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन जो होती है किसी भी व्यक्ति की, वो कोर्ट में भी एडमिसिबल होती है। तो क्या कारण था ये तो सोनी शर्मा ने मरने से पहले खुद ही बता दिया, लेकिन ये हालात पैदा करने वाले आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, मैं समझती हूं कि उन्होंने संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा को ही लांघ दिया है। आप देखिए कि वो उन्हें, ये मैं मान सकती हूं कि पार्टी का एक कार्यकर्ता गलत है, उसकी नजर गलत है और उसने गलत तरीके का काम किया, लेकिन उसके बाद एक महिला जो DCW के पास भी जाती है, पीड़िता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के भी पास जाती है, और उसे उसकी कहीं गुहार सुनी नहीं जाती, बल्कि उसे कहा जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, ताकि आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं शरद चौहान और उनके साथ जुड़े व्यक्ति रमेश भारद्वाज को बचाया जा सके। मैं समझती हूं यही कारण रहा कि सोनी शर्मा को परेशान होकर आत्महत्या करनी पड़ी। और मैं जल्दी से ये बात भी जोड़ दूं अनुराग जी,
कि महिलाओं के तिरस्कार और अपमान की ये पहली घटना आम आदमी पार्टी में नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जब मधु भादुड़ी जी जो कि फाउंडर मेंबर थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने पार्टी को छोड़ा तब उन्होंने कहा कि पार्टी में महिलाओं के साथ मनुष्यों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है। जब शाजिया इल्मी ने छोड़ा तो उन्होंने कहा कि कोई भी राय मशवरा महिलाओं के साथ नहीं किया जाता है। फिर हमने कुमार विश्वास जी पर लगे हुए आरोप देखे, हमने देखा कि सोमनाथ भारती जो कि दिल्ली के कानून मंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी ने ही ये कहा कि उन पर अत्याचार हो रहा है और ऐसी अवस्था में जब वो गर्भवती थी। फिर आज की परिस्थिति में 9 ऐसे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के जिनके ऊपर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के केस चल रहे हैं। तो ये सब कुछ संयोग नहीं हो सकता, ये आम आदमी पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता का परिचायक है जिसकी मैं समझती हूँ जितनी भी भर्त्सना और निंदा की जाए वो कम है। ठीक है, भावना गौर मेरे साथ फोन लाइन पर है आम आदमी पार्टी से। भावना गौर, आपका क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि साफ तौर पर जो लड़की जिसने आत्महत्या की उसने एफआईआर में जो कुछ लिखवाया, उसने पुलिस में जो शिकायत की, उसने जो मीडिया को बताया और जो मरने से पहले पुलिस को बयान दिया, सभी कुछ आपके संज्ञान में होगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पे सोनी नाम की महिला, उसके साथ जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के वो हमारी पार्टी में आई थी। पार्टी के कहने पर ही एफआईआर भी दर्ज हुई, वो डीसीडब्ल्यू भी गई है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि पार्टी तो वो बंदा भी पार्टी के प्रेशर में ही वो उसको गिरफ्तार किया गया। वो स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय गए और मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसे दिल्ली पुलिस ने बाद में जमानत दी। अगर इतना ही कुछ आपकी पार्टी को करना था उस महिला की मदद के तौर पर, तो आपके मुख्यमंत्री ने उससे कम्प्रोमाइज करने के लिए क्यों कहा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये आपको कौन इस तरह की बयानबाजी कर रहा है? अरे कौन बयानबाजी करेगा, वो जो महिला मर गई वो कह के गई है, कौन बयानबाजी करेगा? शर्मानी चाहिए आपको भावना गौर, आप खुद एक महिला हैं, आपको शर्मानी चाहिए। ये निराधार बातें हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कौन कहेगा उनको? मैं स्वयं एक महिला हूँ, आम आदमी पार्टी की एक सम्मानित महिला हूँ। मैं अच्छी तरह से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि महिलाओं को आम आदमी पार्टी में कितना सम्मान मिलता है। मेरे पता है आपके 9 विधायक महिला उत्पीड़न का केस उन पर चल रहा है, वो हमें पता है कि कितना सम्मान मिलता है, सम्मान के नाम पर उत्पीड़न मिलता है, क्या मिलता है वो सब। आप किस तरीके की बातें कर रही हैं? तो सब कुछ पुलिस फाइल्स में है भावना गौर। ऐसा कुछ नहीं है जी, सही और गलत में अंतर होता है, और गलत क्या है और सही क्या है इसको न्यायालय पे छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल, छोड़ देते हैं न्यायालय पे, लेकिन अगर एक खुदकुशी करने वाली महिला सोनी ये कहती है कि वो मुख्यमंत्री से मिली थी और मुख्यमंत्री ने उससे कम्प्रोमाइज करने के लिए कहा था, तो इसे आप भूल जरूर नहीं बता सकती। बोलती रहेंगी आप, उससे कुछ नहीं होगा। आपके बोलते रहने से कुछ नहीं होगा, आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रही हूं। आपने कहा ये उल जलूल बातें कहां से आई? ये सोनी ने खुद अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री ने उससे कम्प्रोमाइज करने के लिए कहा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप शब्द के को अनर्थ करके उसका अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप अर्थ निकालते रहिए उसके शब्द का। बहुत बहुत दुख हो रहा मुझे आपकी बात पर भावना गौर, कि आप एक महिला हैं, एक संवेदनहीन महिला हैं। मैं संवेदनहीन महिला नहीं हूं सर। ठीक है ठीक है, वो दर्शकों को तय करने देते हैं, वो दर्शकों को तय करने देते हैं। मेरा अपना असेसमेंट आपके बारे में ये, क्योंकि आपने खुदकुशी करने वाली महिला के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया, जो टीवी पर उस महिला का बयान है कि उन्होंने कम्प्रोमाइज, उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। आप अपने चैनल के माध्यम से हमें बोलने का मौका देंगे? अरे आपको बोलने का मौका दिया इसीलिए आपको बुलाया है, आपने हमें फोन नहीं किया, हमने आपको आमंत्रित किया है जी। आपको इस डिबेट में आमंत्रित किया गया क्योंकि हम चाहते हैं आप अपना पक्ष रखें, आप बोलें, आप ये आरोप हम पर नहीं लगाइए। आप हमारे साथियों से भी पूछिए। नहीं, साथियों से क्या पूछ रहा है, जो महिला मर गई उसके बयान को आप संज्ञान में लेंगी या नहीं लेंगी? दिल्ली के अंदर इस तरह से महिलाओं के अपराध के प्रति जो ग्राफ बढ़ रहा है उसकी जिम्मेवारी स्वयं ने अपने आप। मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक है, दिल्ली पुलिस का मामला है, दिल्ली पुलिस देखेगी, वहाँ जहाँ उसकी कमी है आप आरोप लगाइए, उस व्यवस्था पर आप कुठाराघात कीजिए, लेकिन एक महिला अगर आपका नाम लेकर के खुदकुशी करती है तो उसके लिए तो आप जिम्मेदार हैं। दिल्ली की दशा को हम किस तरीके से, अरे आप तो भाषण देने लगी दिल्ली की दशा पर, आप अपनी पार्टी की दशा देखिए मैडम, उसके विधायक क्या कर रहे हैं, महिलाएं अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप लगा करके वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहे हैं, वो कहकर खुदकुशी कर रही है। चलिए तरीके से जानते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है भावना गौर, मैं लौटूंगा आपके पास, बनी रही आप फोन लाइन पर, आरोप लगाते रहिए उसको न्यायालय। नहीं, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं,
एफआईआर की कॉपी है मेरे पास, एफआईआर की कॉपी है मेरे पास, आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, मेरा चैनल लगा रहा है। केवल महिलाओं से जुड़े हुए विषय के ऊपर बात करना चाहती हूँ, ठीक है? विधायकों की बातें छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा ना, जो 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 लाइन चैनल ने डिसाइड की, जो आज का विषय जो आपको पहले ब्रीफ कर दिया गया उस पर चर्चा करेंगे। नूपुर शर्मा मेरे साथ जुड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। चलिए भावनगर लौटूंगा मैं आपके पास, आप बनी रहिए फोन लाइन पर। नूपुर शर्मा जी, भावनगर का कहना है कि एफआईआर उन्हीं की पार्टी की इनिशिएटिव लेने पर की गई और ये जो कुछ भी गिरफ्तारी हुई है इसमें रमेश भारद्वाज की, ये आम आदमी पार्टी का ही इनिशिएटिव है। अगर आप एफआईआर को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें जो सीक्वेंस है, जो घटनाक्रम दिया हुआ है, मैं जरा एक संक्षेप में समझाना चाहूंगी जी। सबसे पहले इनसे कहा जाता है, जब ये शिकायत लेके जाती है, जब इनसे कहा जाता है कि अपने बदन से प्यार मत करो, महिलाओं, आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के सामने कहा जाता है, जब ये शिकायत लेके जाती है, ये रमेश भारद्वाज ने, जब अच्छा। ये शिकायत इनकी एफआईआर के हिसाब से बता रही हूं मैं जी। जब ये शिकायत लेके जाती है तो इनसे कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज कर लो। पहले कहा जाता है कि रमेश भारद्वाज हमारी पार्टी के है ही नहीं, इनको बाद में पता चलता है कि वो रमेश भारद्वाज पार्टी के एक्चुअली सक्रिय कार्यकर्ता है। बाद में आप सुनिए, भारद्वाज जी ने आपके बीच में नहीं बोली है, भावना जी मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप सुनेंगे नहीं, बस एफआईआर में उसी से पढ़ रही हूँ। भावना जी आप प्लीज, इसमें लिखे गई है वो, उन्होंने उसके बाद कहा रमेश जी ने, जैसे ही घर पहुंचे तो फिर इनको धमकाना शुरू कर दिया, उल्टे सीधे नंबरों से फोन करना शुरू कर दिया, नकाब पेश आदमियों को घर भेजना शुरू कर दिया जिसकी छोटी बच्चियां हैं, उसके बाद फोन आने लगे, फिर ये गई पांडे के पास, दिलीप पांडे के पास, जो इनके दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा चलो हम देखते हैं, फिर घर पहुंची गई थी, पहले उसके सामने कह दिया माफी मांग लेंगे रमेश भारद्वाज, जब तक घर पहुंची तो पता चलता है कि भैया घर पहुंचते धमकी भरे फिर से फोन आने शुरू हो गए, और ये कहते हैं रमेश भारद्वाज कि मेरे ऊपर 10 केसेस, सुनिए मेरे ऊपर 10 केसेस, एक और लग जाएगा तो क्या होगा, इसमें ये खुद लिखती है, वो जानकारी नहीं है। अच्छा एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ हमारे साथ अपनी मर्जी से एफआईआर कर रही हूँ, आप लोग साथ में नहीं खड़े थे, ठीक है, ये साफ लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, किसी के दबाव में नहीं कर रही हूँ, भावना गौर जी मारे कर रही हूँ, भावना गौर जी आप नहीं रोक पाए अपने कार्यकर्ता को। भावना गौर जी और नूपुर शर्मा जी, इस वक्त मेरे साथ अशोक मिश्रा जुड़े हुए हैं जो कि सोनी के पतिदेव हैं, मुझे लगता है धैर्य से आपको उन्हें सुनना चाहिए। अशोक मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोनी से कभी इस विषय पर कंप्रोमाइज करने के लिए कहा हो। सर सोनी ने मरने के पहले, आपको आप अपने टीवी न्यूज में या सारे न्यूज में देख रहे होंगे कि वो केजरीवाल जी से बात की थी, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज के लिए बात किया था, और ये बात में पूरी सच्चाई है, उसने एक रिटर्न कंप्लेन भी दी थी केजरीवाल जी के ऑफिस में, लेकिन केजरीवाल जी ने उनकी कोई सुनवाई उस पर नहीं हुई थी। और एक औरत की इज्जत की बात अगर आती है तो कोई भी औरत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, और उसे इतना टॉर्चर मिला कि उसने आखिरी रास्ता ये अपनाया कि सुसाइड कमिट किया उसने। लेकिन यहाँ पर बोलिए बोलिए जी बोलिए। हाँ तो उसने ये जो बताया है वो बिल्कुल सच है, वो केजरीवाल जी के पास मिलने गई, वहाँ कॉम्प्रोमाइज की बात हुई, वो दिलीप पांडे जी से मिलने गई, वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज की बात हुई, हमारे यहाँ लोकल शरद चौहान जी है उनसे भी कॉम्प्रोमाइज की बात हो रही है, इवन शरद चौहान जी के फोन नंबर से इसे धमकियां दी जा रही थी। अगर आप ट्रू कॉलर आईडी में सर्च करो नंबर, तो शरद चौहान जी के नंबर से एक आम आदमी का विधायक जो है उससे इसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या ये धमकी शरद चौहान के मोबाइल से दी गई या शरद चौहान ने खुद दी? शरद चौहान के नंबर से किसी दूसरे ने दी। अच्छा, लेकिन उनका नंबर है, हम किसी का नंबर यूज कैसे कर सकते हैं? एक विधायक का फोन नंबर हम यूज कर रहे हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। एफआईआर में लिखी हुई है कि आपको किसी से मिली, आखिरी स्टेप होता है जो मेरी वाइफ ने किया, अब आप इस पे इन्वेस्टिगेशन हो पूरी लिख ले तो सारी रिजल्ट आ जाएगी। लेकिन बड़े नेता लेवल अशोक मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी के से हमारे साथ भावना गौर इस वक्त हैं, अच्छा खासा रसूख रखती हैं, वो ये कह रही हैं कि जो भी कार्रवाई हुई है, रमेश भारद्वाज की भले गिरफ्तारी हुई, ये सब कुछ आम आदमी पार्टी की पहल पर हुआ है, आम आदमी पार्टी ने सोनी की बेइंतहा मदद की इस मामले में। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमने बहुत मेहनत किया, हम बहुत गए, अगर गिरफ्तारी हुई भी थी
तो 5 मिनट में उसकी जमानत भी पुलिस से ही हो रही है, पुलिस के थाने से वो अंदर भी नहीं गया। ये यही बात मैंने कही है जिस एक गुनाहगार की गिरफ्तारी मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप से हुई है, उस वो व्यक्ति दिल्ली पुलिस से जमानत लेकर के थोड़े समय बाद में छूट जाता है। जमानत मैंने भी यही बात कही है। ये बरगला जी को जानकारी नहीं है कानून की। अशोक जी आप बोलिए। हाँ जी सर, वहाँ पे पहले तो FIR नहीं कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद ही FIR हुआ था। अब इनका कहना है कि ये फोन आया था तो FIR हुई, अब क्या है, अब तो सारा तथ्य क्लियर है, अब तो उनसे एक्शन लिया जाए, अब क्यों नहीं ले रहे हैं? मेरी वाइफ तो चली गई दो बच्चों को छोड़ के, अब क्यों नहीं ले रहे? सारा क्लियर फैक्ट है, अब क्यों नहीं ले रहे ये एक्शन? ठीक है, मैं नुपुर जी आपसे पूछना चाहूंगा कि अब एक्शन को लेकर सोनी चली गई, आत्महत्या की, उसने बयान दिए, उसने नाम लिए, उसके बावजूद कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो पा रही, इस बारे में आप क्या कहें? देखिए साफ सी बात यह है कि कल ही आया है कि दिल्ली पुलिस ने कल रमेश भारद्वाज को हरियाणा से पकड़ा है। वो जो बेल उनको कोर्ट से मिली, भावना जी पता नहीं क्या पढ़ाई है, क्या आपने बोला कि पुलिस बेल देती है, ये कानून में कोर्ट बेल देती है भाई, जज बेल देता है। उसके बाद जो क्योंकि ये आए दिन ये नए वीडियो आ रहे हैं और मुझे हैरानी नहीं होगी, ये जो कल जो ये बहुत ही ड्रामेटिक वीडियो लेके अरविंद केजरीवाल जी आए हैं ये इसी संदर्भ में आए, क्योंकि कार्रवाई अब इसमें बढ़ती चली जा रही है। और अगर आपने नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का अगर आपने ललिता कुमार मंगलम जी का स्टेटमेंट पढ़ा हो, जो यहाँ पे सोनी जी के पति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इसमें बाहर निकल के बातें आ रही हैं, जैसे मैंने कहा कार्रवाई बढ़ रही है, शायद इस डर के मारे उन्होंने कल ये वीडियो ना निकाला हो, क्योंकि कल शाम को ही ये। बहुत अच्छी बात आपने कही भावना गौर से, मैं सीधे पूछ लेता हूँ भावना गौर, अरविंद केजरीवाल को जब लगा, रुकिए मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, बीच में मत कूदिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि साफ तौर पर आरोप आपका आप पर नुपुर शर्मा ने लगाया है कि केजरीवाल जी ने जो वीडियो संदेश जारी किया है इसमें उन्होंने टॉक टू ए के कभी इंतजार नहीं किया, वीडियो लेके कूद पड़े जिस तरीके से सोशल साइट्स पर कि जी मोदी जी मुझे मार देंगे, मोदी जी से मुझे जान का खतरा है, ये कहीं इस विषय पर पर्दा डालने के लिए ही तो नहीं किया उन्होंने कि उन्हें लगा कि वो घिरने लगे, उनकी पार्टी घिरने लगी तो माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये आप थोड़ा सा अपने नजरिए को बदलिए। हाँ। आम आदमी पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष होने के नाते हाँ। कल मैं और मेरे 6 महिला विधायक स्वयं जाकर के राजनाथ जी से मिले थे। हाँ। उनको हमने विस्तार से सारी बातचीत रखी। हाँ। और तो इसमें क्या बात हो गई? सुनिए, विधायकों हाँ। के साथ में क्या हो रहा है? पीड़ित को न्याय मिला? इसमें पीड़ित को कैसा न्याय मिला? इससे हम नहीं करने के लिए गए थे। हाँ। हम केवल यही कहने के लिए गए थे कि दिल्ली में जिस तरह से महिला अपराध को लेकर के ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसके मध्य की महिला होने का मुद्दा एक अलग है। और आपके विधायक शरद चौहान के मोबाइल फोन से जो धमकियां दी जा रही थी सोनी को, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी सोनी के पति ने ये बात कही है, ये हम पर आरोप मत लगाइएगा कि हम कह रहे हैं। सोनी के पति ने कहा है ट्रू कॉलर पर, उन्होंने साफ तौर पर शरद चौहान का नंबर ट्रेस किया, उस मोबाइल से उन्हें धमकी दी जा रही थी। पति के बयान का मुझे लगता है कि कोई अर्थ नहीं है। जो विक्टिम है वो जाने से पहले अपना बयान देकर के गई है। कमाल है भाई, उसके वो अपना बयान देकर के गई है। देखिए मैं वो बयान में तो अरविंद केजरीवाल का भी नाम लेकर गई है, बयान में तो अरविंद केजरीवाल का नाम भी लेकर गई है। मुझे लगता है सोनी ने बयान में ये कहा अरविंद केजरीवाल ने उससे कम्प्रोमाइज करने के लिए कहा था। एक मिनट, एक भावना जी आपने हद पार कर दी, उनके परिवार को कोई दुख नहीं होना चाहिए और कोई टिप्पणी नहीं आनी चाहिए। आप परिवार को, आप पीड़ित परिवार को ठेस पहुंचा रही। रागनी जी आता हूं आपके पास, आप कह रही है, एक मिनट नुपुर जी आप अपनी ही बात से पलट रही हैं। भावना जी सुनिए, पहले सिर्फ बोलना मत सीखिए, पहले सुनिए। नुपुर जी की पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी, नैना जो अपना, मैंने आपको भाषण करने के लिए मंच नहीं दिया, ये मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। ईमानदारी के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, ऊपर सीधी सीधी उंगली उठा, मैंने उंगली नहीं उठाई आपकी ईमानदारी पर, आपकी अपनी कार्यकर्ता सोनी ने उंगली उठाई है। सुनिए मेरी बात, मैं जानती हूँ मेरी पार्टी के अंदर महिलाओं को किस प्रकार का। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैंने ताली बजाई इस बात पर, महिलाओं को आपकी पार्टी में जो सम्मान मिलता है उस पर मैंने ताली बजा दी। अब शांत हो जाइए। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जो भी सोनी ने कहा कंप्रोमाइज करने वाली बात वो निरर्थक है, उस तरह की कोई बात नहीं है।
अब आप कह रही हैं कि सोनी अपना बयान दे चुकी है, शरद चौहान के मोबाइल से फोन आया, ये बात निरर्थक है जो उसके पति कह रहे हैं। तो आप बयान पर ही आ जाते हैं कि जो उसने मरने से पहले बयान दिया, आप अगर उसे कोट कर रही हैं तो उस बयान में उसने उसी बयान में कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उससे कंप्रोमाइज करने के लिए कहा था, इस पर सफाई दीजिए ना आप। हेलो जी बोलिए। हेलो हाँ मुझे पता है अब आपको आवाज नहीं मिलेगी। हेलो बिल्कुल सही बात है, बहुत सही कर रही हैं आप। रागनी नायक आप अपनी बात रख सकती हैं क्योंकि, क्योंकि भावना गौर को अब आवाज मिलना बंद हो गई है, बोलती बंद हो गई है भावना गौर की। अनुराग जी देखिए मुझे लगता है अपने ही जाल में फंस गई हो। टिप्पणी यहाँ पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी रही भावना गौर की, जब उन्होंने कहा कि ये सारे बयान जो उनके पति दे रहे हैं और जो सोनी ने खुद दिए वो सभी निरर्थक हैं। अभी दो दिन पहले ही मैं एक और ऐसी बहस पर थी जहां पर एक दूसरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि महिलाएं तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को फंसाने के इंतजार में बैठी हैं दिल्ली में और ये उनके लिए सबसे आसान तरीका है। तो मैं समझती हूँ ये भी कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है उसको दिखाता है कि कितना महिलाओं के प्रति इनके मन में घृणा और उनके अपमान के लिए सजगता है। अब दो बातें मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगी। एक तरफ तो भावना गौर की पार्टी ये हमेशा कहती रहती है कि दिल्ली पुलिस हमें सहयोग नहीं देती, दिल्ली पुलिस हमें फंसाने में लगी रहती है, और आज भावना गौर कह रही है कि आम आदमी पार्टी के दबाव में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। मैं समझती हूँ इसी बात में बहुत बड़ा विरोधाभास है और इस पार्टी का झूठ सामने आता है। दूसरी बात आपने कार्रवाई की तो सुनिए, आम आदमी पार्टी के हाथ में ना तो FIR करवाना था ना जमानत करवाना था, पर आज भी उनके हाथ में ये है कि वो सबसे पहले शरद चौहान और रमेश भारद्वाज को अपनी पार्टी से निकाल दें, निष्कासित करें, ताकि आगे के लिए संदेश जाए कि महिलाओं के प्रति अपमान को और अभद्रता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जिस तरह से इन्होंने जितेंद्र तोमर को नहीं निकाला, सोमनाथ भारती को नहीं निकाला, उसी तरह ये अब भी किसी को निकालने वाले नहीं है। ये ऊंची दुकान है और फीके पकवान है। और जहां तक ये बार बार भाजपा और कांग्रेस की बात करती है तो ये तो वैकल्पिक राजनीति लेकर आ रहे थे, तो अब हमसे तो तुलना आप करें ना। और इनकी वैकल्पिक राजनीति में महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण के लिए क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। और बहुत बड़ा सवाल भी है, ब्रेक के बाद मैं उठाऊंगा, कि न केवल सोनी से कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह देना नाइंसाफी है, रमेश भारद्वाज से माफी मंगवाना। अब आप FIR करवा रहे हैं लेकिन तब आपने रमेश भारद्वाज से कहा कि माफी मांग लो, क्या ये पीड़िता के साथ नाइंसाफी नहीं थी? एक छोटे से ब्रेक। आम आदमी पार्टी से और अग्नि नायक हैं, नुपुर जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, नुपुर जी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन मैं साफ तौर पर नुपुर जी ये जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या एक तरफ सोनी को कॉम्प्रोमाइज की बात कहकर केजरीवाल ने तो जो किया वो हम सब जानते हैं, उसको हम अपना असेसमेंट कर रहे हैं कि सही था गलत था एक महिला से ये कहना कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन रमेश भारद्वाज को भी दिलीप पांडे के यहां बुलाया गया, साफ तौर पर FIR में लिखा हुआ है कि जब सोनी पहुंची है दिलीप पांडे के घर तो वहां रमेश भारद्वाज पहले से मौजूद था, उसने वहां पर उनसे माफी मांगी। आम आदमी पार्टी भले ही कहते रहे कि रमेश भारद्वाज से उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर वो वहां दिलीप पांडे के घर पे क्या कर रहा था? क्या उसको माफी मांगने के लिए कहना भी पीड़िता के साथ अन्याय नहीं था, नाइंसाफी नहीं थी? मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि भावना जी के अभी पूरी टिप्पणी में आपने अगर सबसे बड़ी हिपोक्रेसी अगर सुनी होगी तो आपने ये कि जो पीड़िता मर गई है खुदकुशी कर ली उन्होंने और मैं अपनी जान की कुर्बानी दे दी। एक तरफ तो कहते हैं कि वो अपने डाइंग डिक्लेरेशन में, और डाइंग डिक्लेरेशन से तीन दिन पहले एक और न्यूज चैनल पे जो वीडियो रिकॉर्ड करके गई है वो सब झूठ है। वो जो भी वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दिए वो झूठ है। अगर वो झूठ बोल रही हैं तो रमेश भारद्वाज को आज आम आदमी पार्टी क्यों चाहती है कि पुलिस पकड़े? आज क्यों कह रही है रमेश भारद्वाज को आप गिरफ्त करो और हमने ही FIR करवाई थी दर्ज? ये बहुत बड़े सवाल है। और आपने जो सवाल किया बिल्कुल सही किया कि एक तरफ आपने कह दिया, देखिए आम आदमी पार्टी है ये, आज तक इन्होंने जो भी स्टैंड लिया है उस पे कभी भी अटल नहीं रही। ये यू टर्न पार्टी फिजूल की बातों में नहीं कहलाई जाती है। जब भी इनको लगता है आरोप प्रत्यारोप में बीच में अपने ही घेरे में घिरे जा रहे हैं तो ये दूसरी डिविएशन स्टेटमेंट ले आते हैं। अपनी बात से मुकरने अगर कोई वाली पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। और अभी भी आपने सुना है कह रही है कि रमेश, वही तो कह रही हूँ रमेश अगर वो झूठ बोल रही तो रमेश से माफी मंगवाने का क्या मतलब है? रमेश को जेल में भिजवाने का क्या मतलब है? रमेश को इतना रमेश के खिलाफ एक्शन मांगने का क्या मतलब है? और अभी भावना जी ने एक बात कही कि हम गए थे एक महिला डेलीगेशन लेके, वो तब गई थी जब तमाम अन्य पार्टियां
राष्ट्रपति जी के पास जा चुकी थी पिछले 3 दिन से, अपनी बात रख चुकी थी, जबकि 22 तारीख को इनके हस्बैंड सोनी जी के हस्बैंड जब मुख्यमंत्री के पास जब खोखले आश्वासन लेके आए, जब वो थक गए, तब वो केंद्र महिला आयोग गए। और माफी चाहती हूँ इसी बात पे, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि दिल्ली महिला आयोग जो इधर उधर की बातों पर इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देती है, मीडिया में आती रहती है और बड़ी बड़ी चीजें कहती है, मैं माफी चाहती हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी FIR में नाम तक लिखा है कि दिल्ली महिला आयोग में ये गई, लेकिन आज तक स्वाति जी के मुंह से सोनी के बारे में कुछ नहीं आया है, ना उनकी कोई लेटर और नोटिस आया है पुलिस को कि जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ा जाए, बल्कि किसी दूसरे मामले में उन्होंने पीड़िता का नाम और पहचान उजागर कर दी है। बहरहाल यहां पर रागिनी नायक, एक बहुत बड़ा सवाल यह भी उठता है कि भावना गौर भले ही कह लें कि रमेश भारद्वाज उन्हीं की निषेध पर आम आदमी पार्टी की पहल पर ही गिरफ्तार हुआ है, अगर ऐसी ही मंशा थी उनकी, अगर ऐसी ही मंशा थी आम आदमी पार्टी की कि रमेश भारद्वाज को वो सलाखों के पीछे पहुंचाएं, तो सोनी से कंप्रोमाइज करने के लिए, माफी मांगने के लिए रमेश भारद्वाज को क्यों तैयार किया गया? जब सोनी ने शिकायत की थी तभी क्यों नहीं रमेश भारद्वाज की शिकायत पुलिस में करा दी गई? आप सही सवाल पूछ रहे हैं अनुराग जी। मैंने शुरुआत में ही कहा कि इनकी बातों में आपको केवल विरोधाभास ही मिलेगा। रमेश भारद्वाज को ये माफी मांगने के लिए तैयार कर पाए, इसका मतलब किसी ने बातचीत की होगी, किसी ने मनाया होगा, किसी ने कॉम्प्रोमाइज के लिए बिचौलिए का काम किया होगा, और वो जरूर ही जरूर ना जरूर आम आदमी पार्टी का कोई नेता ही रहा होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ऊपर पूरा टीकड़ा फोड़ने से पहले आम आदमी पार्टी को थोड़ा अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए कि वो पार्टी में क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं महिलाओं के खिलाफ गलत व्यवहार करने वालों से। और मैं फिर कहूं, देखिए कांग्रेस पार्टी का एक महिला दल राष्ट्रपति जी से मिला, भारतीय जनता पार्टी के लोग नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में बात कर रहे हैं, तो आखिर राष्ट्रपति और NCW के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसीलिए ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कि दिल्ली का DCW जहां पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपॉइंटमेंट हुआ है स्वाति मालीवाल का, वो अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए महिलाओं का हित सर्वोपरि नहीं है, पार्टी के हित के लिए वो काम कर रही हैं। तो मैं तो आज मुझे लगता है दिल्ली वालों के सामने भी बड़ा सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी जो एक नए किस्म की ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स की बात करती थी, वो उस राजनीतिक दलदल में सबसे नीचे धसी हुई पार्टी है और जो दिल्ली का बोझ अपने सर पे नहीं उठा पाए, दिल्ली की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, वो आगे जाकर अब गोवा में, पंजाब में, गुजरात में और न जाने कहां कहां चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो ये तो दिल्ली के साथ दोबारा धोखा है। और यही नहीं, मैं तो कहती हूँ दिल्ली की महिलाओं का तो सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, क्योंकि बिजली पानी के वादों की जो बात की गई थी, पेट्रोल पर जो बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, ये महंगाई की मार भी महिलाओं की कमर तोड़ रही है। और इनकी नीतियों की तरफ भी अगर आप ध्यान दें तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो इनकी है उसमें कोई महिला नहीं है, दिल्ली कैबिनेट 2 बार रिशफल हो गया, कोई महिला नहीं आई। ये चाहते ही नहीं है कि महिला कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बने या महिलाएं कहीं उभर कर सामने आए, और यही बड़ा कारण है कि बार बार इन पर महिला विरोधी होने का आरोप लगता रहता है। बिल्कुल, एक और बहुत सनसनीखेज अशोक मिश्रा जी की मैं बात सुनाना चाहूंगा। विजेंद्र गुप्ता जी के ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो हमने लिया है। भावना गौर क्या हमारे साथ जुड़ी हुई है? मैं PCR से पूछना चाहूंगा। भावना गौर हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं, लेकिन अगर वो जुड़ती हैं, अरविंद केजरीवाल ने अगर उनसे ये ना कहा हो कि अब उन्हें डिबेट कंटिन्यू नहीं करनी है, तो वो जरूर जुड़ेंगी। और अगर वो जुड़ती हैं तो मैं फिर ये वीडियो दिखाऊंगा। जरा वीडियो देखिए, अशोक मिश्रा भी हमारे साथ हैं, इसकी पुष्टि भी हम करवा लेंगे। एक बार देखिए अशोक मिश्रा ने क्या बयान दिया है। जिस पार्टी, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता मेरी धर्मपत्नी सोनी मिश्रा थी, उस पार्टी के लोग तो सहानुभूति दिखाने के लिए अभी आए नहीं। जब उनके ऊपर दबाव पड़ा तो वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हें इतने पैसे दे दूंगे, तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा देंगे, तुम्हारे सारे 13वीं का खर्चा दे देंगे। तो जिन आम आदमी पार्टी, जो मेरी धर्मपत्नी के कार्यकर्ता थी, जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया, उसके चंदे के पैसे से मैं अपनी पत्नी की 13वीं नहीं करवा सकता। और ये तरह तरह के मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, कभी कभी गुंडे भेज रहे हैं, कभी जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था। अशोक मिश्रा जिनका ये बयान अभी अभी हमने देखा, वो भी हमारे साथ सोनी के पति मौजूद हैं फोन लाइन पर। अशोक मिश्रा, क्या ये बयान आपने किसी के दबाव में दिया है? हेलो जी। हाँ जी सर, बताइए।
अभी अभी हमने आपका एक बयान सुना कि आम आदमी पार्टी के लोग आपके पास आ रहे हैं और आपको तमाम तरह के नौकरी के प्रलोभन, 13वीं के प्रलोभन दे रहे हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल 100% सही है। कुछ दिन कुछ लोग आए थे, बोले थे कि बहुत बड़े बड़े मंत्री आएंगे आम आदमी पार्टी से श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उसकी 13वीं के जितने खर्चे हम देंगे, आपको पैसे देंगे, आपके दोनों बच्चों का भविष्य बनाएंगे, आपको गवर्नमेंट नौकरी देंगे। तो सर, जो मेरे पत्नी के काफिल है उनके पैसे से मैं नहीं कर सकता सर, इतना मैं गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। और ये कभी कभी दो तीन चार गुंडे भेजते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, किसी ना किसी तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं सर। हम इतने डर गए हैं कि हम सुबह सुबह पूरे 24 आवर्स दरवाजा बंद करके रहते हैं कि कोई आ ना जाए, कोई ये ना कहे। वाकई ऐसी संवेदनशील सरकार से डर लगता है। अशोक जी, आपका डर बिल्कुल सही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ कोई अनहोनी और ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा दुख और दर्द आप झेल रहे हैं आम आदमी पार्टी के लापरवाही के चलते। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने कंप्रोमाइज जैसी बात कही, पता नहीं सोनी ने इस चीज को किस तरीके से लिया जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। आपने सही कहा कि आत्महत्या का कदम कोई यूं ही नहीं उठाता है, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए उनकी पार्टी से कोई नहीं है, और जो होता भी है तो वह आपकी बात को खारिज कर देता है। यह और ज्यादा दुखद है कि आपकी कही बात को भी नकार देते हैं और कहते कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सही है, आम आदमी पार्टी आपकी बहुत मदद कर रही है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है नुपुर शर्मा, जो अभी अभी आपने सुना कि आम आदमी पार्टी प्रलोभन दे रही है, बच्चों की लाइफ बना देंगे, हम आपको सरकारी नौकरी दे देंगे, 13वीं का खर्चा उठा देंगे, क्योंकि 13वीं पर आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता जुटेंगे। मैं दो तीन बातों का खुलासा और करना चाहती हूँ, क्योंकि सोनी जी के हस्बैंड हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हमने केंद्रीय महिला आयोग की स्टेटमेंट पढ़ी, जिनके पास विजेंद्र गुप्ता जी ही इनको लेके गए थे जरियाबंद के, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन वही है। तो इनके खुलासे से, जो एक्चुअली इनकी FIR में तब से लिखा आ रहा है, साफ पता चल रहा है कि इनकी जो बच्चियां हैं उनके स्कूल के एडमिशन में भी बाधा आम आदमी पार्टी के विधायक ही डाल रहे हैं। आपने अभी इनकी स्टेटमेंट, ये पहली बात है। दूसरी बात, आपने अभी इनकी स्टेटमेंट सुनी कि इनके फोन पे अगर आप ट्रू कॉलर से देखेंगे तो शरद चौहान विधायक, और मैं एक और खुलासा कर दूं तो उनकी बीवी के नाम पे भी एक रजिस्टर्ड मोबाइल फोन है। अच्छा। जिससे इनको तरह तरह के मैसेजेस और कॉल्स जा रही है। तीसरी बात मैं आपको और बता दूं, मैं अभी रागिनी और आपकी बात सुन रही थी, तो ये वही पार्टी है कि जब एक महिला प्रवक्ता के मुंह से सच निकल जाता है तो एक सेकंड नहीं लगता आम आदमी पार्टी को उस महिला प्रवक्ता को अपनी पोस्ट से बर्खास्त करने में। लेकिन दिनेश मोहनिया, सोमनाथ भारती, मनोज कुमार, इनके एक और विधायक है जरवाल, और अब ये शरद चौहान, आप इनको बर्खास्त तो दूर की बात, बहुत ही दूर की बात है, ये आज भी डिफेंड कर रहे हैं। और माफी चाहती हूँ, आपने जो आम आदमी पार्टी के अभी प्रवक्ता की बात कही इस शो के ऊपर, कल मैं यहाँ पे दीपक चौरसिया जी के साथ थी, ये मुद्दा कुछ और था, लेकिन यहाँ पे बैठ के सोमनाथ भारती जी ने एक ऐसी बात कही जिसकी वजह से दीपक जी ने आई थिंक आज ये दोबारा डिबेट, और कल ही कहा था मैं दोबारा करूंगा ये डिबेट अपने शो पे, उन्होंने ये बात कही कि ये जो भी कुर्बानी देके सोनी जी अपनी डाइंग डिक्लेरेशन और वीडियो में बोल के गई है, ये सब झूठ है, ये सब झूठे बयान है। मतलब मरे हुए इंसान को तो तुम बख्श दो कि वो जो मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, वो ये दो बार दोहरा के नहीं जाएगा और FIR में कह के नहीं जाएगा कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और आज आए नहीं, ये उनका शिकार है जो घर में ही मसलों को नहीं समझ पा रहा है, वो दूसरों पराए पीर को क्या समझेगा। आज इनके परिवार के साथ जो बदतमीजी हुई है, मैं माफी चाहती हूँ कि अगर अपने कार्यकर्ता और आम जनता के साथ, महिलाओं के साथ इनका कैसा व्यवहार है, मेरा दिल अब धड़कता है और मुझे दहशत होती है कि आगे आने वाले 4 साल हम लोगों के लिए कितने मुश्किल और कठिन होने वाले। क्योंकि पार्टी दूर की बात है, यहाँ पे रागिनी बैठी है मेरे साथ, रागिनी मैं दोनों ही महिला है। रागिनी जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भावना गौर ने जिस तरीके से कहा, मुझे अभी तक ये बात पर्सनली चुभ रही है कि सोनी ने मरने से पहले जो बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल ने उससे कंप्रोमाइज करने के लिए कहा था, वो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई महिला आत्महत्या जैसा गंभीर बड़ा गलत कदम उठाते हुए झूठ बोलेगी। उसको पता है कि वो जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, ये तक वो नहीं जानती, बावजूद उसके वो बयान दे रही है। ऐसे बयान को झुठला देना, क्या अरविंद केजरीवाल का नाम भी किसी राजनीतिक साजिश की वजह से सोनी ने लिया होगा, क्या आपको ऐसा लगता है?
देखिए अनुराग जी, ये मैंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है तब उसे किसी चीज का प्रलोभन नहीं होता, वो मोह माया के जाल से भी मुक्त होने वाला होता है। ऐसे समय में वो जो कहता है उसकी मान्यता, उसकी सत्यता को प्रमाणित भी नहीं करना पड़ता, ऐसा हमारे देश के कानून निर्माता भी समझते थे, इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसेबल बनाया। और जिसे कानून भी मानता है उस बात को अगर आम आदमी पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता झुठलाना चाहती हैं टेलीविजन पर, तो मुझे उनकी समझ पर, उनकी तर्क शक्ति पर बहुत ही संदेह होता है। और मैं ये समझती हूं कि ये चोरी और सीनाजोरी जैसा है। कभी कभी गलती कर माफी मांग लेना ही सबसे बेहतर काम होता है। और उसी के साथ साथ जो मैं समझती हूं सत्ताधारी पार्टी है उसको अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने की बहुत जरूरत होती है कि वो ऐसा उदाहरण स्थापित कर सके जिससे आगे कभी महिलाओं के साथ इस तरीके का बर्ताव करने वाले की रूह भी कांप जाए। लेकिन यहाँ पर तो ठीक विपरीत काम हो रहा है नुपुर की। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय आम आदमी पार्टी उन्हें संरक्षण देती है, उन्हें डिफेंड करती है। आप जितेंद्र तोमर का केस याद करिए, जब तक कि उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे नहीं हो गए, अरविंद केजरीवाल प्रकारेण तन मन धन से लगे हुए थे उनको बचाने के चक्कर में, और जैसे ही वो अरेस्ट हुए तो कह दिया कि वो तो हमें भी मूर्ख बना रहे थे। तो ये बार बार सच को झुठलाने का काम करेंगे। और मैंने पहले कहा कि इनकी नीतियों से भी ये स्पष्ट होता है। आप अगर पूछे कि महिलाओं के लिए जितने वादे किए थे मैनिफेस्टो में उनका क्या हुआ, तो ये भविष्यकाल में बात करेंगे। ना इनके कमांडोज आए, खुद महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपी बनते जा रहे हैं, ये महिलाओं का भला करेंगे या नहीं करेंगे इसमें अब शंका होने लगी है। रागिनी नायक, मैं लौटूंगा इस डिबेट में, नुपुर शर्मा जी के पास में जाऊंगा, और मैं फिर अशोक मिश्रा का जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो वो बयान चलाऊंगा। मुझे इंतजार है कि भावना गौर अब भी इस डिबेट में जुड़ सकती हैं और हम उनसे इसका जवाब जरूर लेंगे। बड़ी बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। भावना गौर का हमें इंतजार है, जिनके आने की अब उम्मीद कम है क्योंकि आना होता तो अब तक आ गई होती है। एक अहम सवाल का जवाब देने से बचने के लिए फोन हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंची और उसके बाद वो डिस्कनेक्ट है पूरी तरह से। एक छोटा सा सवाल नुपुर शर्मा आपसे, अगर राजनीतिक साजिश के तहत ये बयान सोनी ने दिया कि अरविंद केजरीवाल ने उससे कम्प्रोमाइज करने के लिए कहा, या मान लेते हैं कि वो खुद राजनीति कर रही थी, तो वो राजनीति करती जान क्यों लेती अपनी? मैं यही तो दोहरा रही हूँ बात, ये बहुत संगीन मामला है, आप इसको कम छोटा जूम मत समझिए। और मैं दूसरी बात और कह दूं, इनके बाकी विधायक भी जो हैं, जिनके ऊपर दिल्ली की आम औरतों ने, महिलाओं ने एक के बाद एक एफआईआर दर्ज कराई, कंप्लेन दर्ज कराई, शिकायतें दर्ज कराई, क्या वो भी भाजपा के कार्यकर्ता है, उसमें भी राजनीतिक कोई साजिश है? ये सरासर झूठ है। और माफी चाहती हूँ, कोई अपनी जान, इतनी यंग 27-28 साल की लड़की, 27-28 साल की महिला अपनी जान नहीं गंवाती। मैं पहले कही भी बात दोबारा दोहराना चाहूंगी यहाँ पे, कल ही रमेश भारद्वाज, क्योंकि इंक्वायरी चल रही है, बेल पे बाहर रमेश भारद्वाज हरियाणा में कल दोबारा गिरफ्त में आए, इसका मतलब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो रही है, इंक्वायरी बढ़ती चली जा रही है, और एक के बाद इनको एक के बाद एक सबूत मिलते जा रहे हैं। और मैं वकील होने के नाते, अगर ये कड़ी जो ये छोड़ के गई है, जो दो वीडियो छोड़ के गई है, एक से दूसरी कड़ी मिलती है, तो अबेटमेंट टू सुसाइड, मतलब खुदकुशी करने के लिए उनको एक तरीके से इनकरेज करना, इस संगीन जुर्म के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेके गई है, तो इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात कह के गई है। और झूठ बोलती तो अपने आप को मारती नहीं है ऐसे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मुझे लगता है कि कल का जो ये बहुत ही ड्रामेटिक नौटंकी बाज, जो कल वीडियो आया था कि मुझे मारने की साजिश है और मेरे विधायक को तुम कुर्बानी देने को तैयार रहो, मैं माफी चाहती हूँ, हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ। मुझे लगता है ये अपना बचाव करने के लिए आया था, क्योंकि कल ही रमेश भारद्वाज अरेस्ट होंगे, गिरफ्त में जाएंगे, और कल ही अरविंद केजरीवाल जी को एकदम से एक नया वीडियो लेके बयानबाजी पे आ जाएंगे। अशोक मिश्रा का सोनी मिश्रा के पति अशोक मिश्रा का एक बयान मैं फिर सुनाना चाहता हूँ हर दिल्ली वाले को। अगर आप इंडिया न्यूज पर इस वक्त ये बहस देख रहे हैं तो सुनिए अशोक मिश्रा, जो कि सोनी के पति हैं, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि सोनी ने क्या कहा वो आप सुन चुके हैं, अशोक मिश्रा की बात सुन लीजिए एक बार और। जिस पार्टी, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता मेरी धर्मपत्नी सोनी मिश्रा थी, उस पार्टी के लोग तो सहानुभूति दिखाने के लिए अभी आए नहीं, जब उनके ऊपर दबाव पड़ा तो वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हें इतने पैसे दे दूंगे,
तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा देंगे, तुम्हारे सारे तेरहवीं का खर्चा दे देंगे। तो जिन आम आदमी पार्टी जो मेरी धर्म पत्नी के कार्यकर्ता थी, जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया, उसके चंदे के पैसे से मैं अपनी पत्नी की तेरहवीं नहीं करवा सकता। और ये तरह तरह के मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, कभी कभी गुंडे भेज रहे हैं, कभी जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था। ये एक पीड़ित पति की पुकार है, उसका दर्द है। मैं चाहूंगा कि हर दिल्ली वाला अरविंद केजरीवाल की सरकार से अशोक मिश्रा के सवाल का जवाब मांगने की कोशिश करे कि आखिर आम आदमी पार्टी की यह कैसी राजनीति है, क्योंकि मैंने जवाब मांगने की कोशिश की तो मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई, दुर्भाग्यवश। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बड़ी बहस में आज शामिल होने